Good morning all of you. This is Dr. Ruchi Shirurkar. As you all know, we have been taking sessions on rubrics. We are discussing each and every rubric in alphabetical order. And I have always told that please study rubrics, please study repertory. It gives you a wider perspective. When you study remedies and make images of the remedies, you get trapped in the feel of the remedy or the image of that remedy. But when you study or approach a remedy through rubrics, they are facts. They are facts like any physical general or any physical particular, right? So the quality of results will improve, you know, drastically, dramatically. So a lot of, you know, students ask me, how do you study? How do you actually study the repertory? So I'm going to give you a small example today. I'll do this exercise with you so that you can also learn how to study. You know, the idea is to make you capable enough that tomorrow you're not dependent on me or anybody else, but rather make pictures of so many remedies that you consider as rare, right? So let me give you an example. I study from keywords, right? So if I have to study, suppose I'm studying a keyword called as school, right? So bacche ki bahut sari duniya jo hai school se related rehti hai. So if I put in search window school, right? So I will be studying all the rubrics related to school, right? So बच्चा बोलेगा कि मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, राइट? स्कूल अवर्जन टू, मुझे स्कूल से डर लगता है, फियर स्कूल ऑफ, स्कूल के बारे में चिंता रहती है, एंग्जाइटी अबाउट स्कूल. देयर इज वन मोर रूब्रिक विच इज जो बच्चे क्रैश, पेरेंट्स छोड़ते हैं ना उनको क्रैश में, किंडरगार्टन में, जब वो लोग जॉब पे जाते हैं तो उसको उस क्रैश में जाने से भी डर लगता है. तो देर इज़ अ रूब्रिक फियर किंडरगार्टन और क्रैश ऑफ विच हैज़ ओनली वन रेमेडी विच इज़ कॉल्ड एज प्लूटोनियम नाइट्रिकम. यू हैव टू स्टडी वाई अ प्लूटोनियम नाइट्रिकम चाइल्ड हैज़ फियर ऑफ किंडरगार्टन और फियर ऑफ गोइंग टू स्कूल और फियर ऑफ क्रैश. सो बच्चा बीमार है फिर भी उसको चिंता है कि स्कूल का होमवर्क नहीं हुआ, मेरा स्कूल का होमवर्क मिस हो जाएगा, आज मेरा यूनिट टेस्ट था. तो एंग्जाइटी चिल्ड्रन इन अबाउट स्कूल लेसन्स, मतलब स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है वो जो मिस हो रही है. तो उसमें दो ही रेमेडीज़ हैं विच इज़ लाइकोपोडियम एंड सिलिशिया. तो जो बच्चे बीमारी में भी ये चिंता करते हैं कि मेरा स्कूल का होमवर्क मिस हो रहा है, आज टीचर ने सेल का चैप्टर पढ़ाया होगा, तो it becomes so easy, you know, you just know that it is either lycopodium or cilicia, right? So if you approach a case through rubrics, make your foundation strong, it becomes very very easy. I'll give you a few more examples. जैसे हमने कहा fear है school का, aversion है, anxiety about lessons है, या फिर कुछ parents उल्टा भी बोल सकते हैं, इसको बड़ा अच्छा लगता है school जाना, you know, इसको बस घर के बाहर रहना है, इसको कहीं भी ले जाओ, बोलता है मुझे डे केयर ही छोड़ दो. तो गोइंग आउट लाइक टू स्कूल और किंडरगार्टन, ऐसा भी एक रूब्रिक है. गोइंग आउट डिज़ायर्स स्कूल और किंडरगार्टन, मतलब इसको कहीं भी भेज दो, बाहर रहना है. उसमें दो ही रेमेडीज़ हैं, कैल्केरिया फॉस एंड ट्यूबुकलिनम, राइट? एंड वी नो हाउ ट्यूबुकलिनम इज़ फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग एंड वॉन्ट टू गो आउट एंड रोम अबाउट. सो या दिस वे यू कैन मेक, यू नो, इट्स सो ईजी. टुमोरो इफ देर इज़ अ चाइल्ड हु कम्स टू यू एंड उसका जो उसके केस में जो एरिया आ रहा है वो स्कूल है, तो आपको सारे रूब्रिक्स एंड सारी रेमेडीज़ रिलेटेड टू स्कूल आती हैं. फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने रिसेंटली मुझे बोला कि स्कूल नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, बोर होता है. तो उसकी मम्मी बोली इसको हर चीज़ से बोर होता है, यू नो, दिन भर. सो एनुई स्कूल एट या एनुई बोर्डम स्कूल एग्रेवेट, वैसे भी बोर होता है और स्कूल में जाके तो और ज़्यादा बोर होता है. सो एनुई स्कूल एग्रवेट, बोर्डम है, क्यों स्कूल में बोर हो रहा है, या स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है, यू नो, क्यों अच्छा लगता है, मज़ा आता है, क्योंकि तो उसको क्या चाहिए, मज़ा चाहिए, अम्यूजमेंट चाहिए, या खेलने को मिलता है, तो प्लेइंग की वजह से वो स्कूल जा रहा है, राइट? सो दिस वे यू कैन डिफ्रेंशिएट, यू नो, द रूब्रिक्स एंड द रेमेडीज एसोसिएटेड विद इट एंड योर वर्क बिकम्स सो सो ईजी. अभी फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट था, उसने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसको स्कूल नहीं जाना, क्यों नहीं जाना. अभी जब आप पूछेंगे क्यों नहीं जाना, तो पहला आंसर तो जो मैंने आपको बताया कि फियर हो सकता है, अवर्जन हो सकता है, ये सब रीज़न हो सकते हैं, एंग्जाइटी हो सकती है. एक बच्चा बोलेगा अगर टीचर ने मेरे प्रोजेक्ट को मना कर दिया, तो अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो ये क्या है कि जो ये क्या फियर रिजेक्शन है, नहीं, ये क्या है कि जो मैं कर रहा हूँ उसको अप्रूवल नहीं मिला, तो
उसका टीचर ने उसको जज किया कि ये अच्छा नहीं है, वहाँ पे जज होने वाला है ना कि भाई आपका अच्छा है कि नहीं है अच्छा है. तो देर इज़ अ स्पेसिफिक रूब्रिक विच इज़ कॉल्ड एज फियर जज्ड ऑफ सेंशर्ड ऑफ बींग CENSURED. आपको डिसअप्रूवल हो गया तो, मतलब टीचर ने वो आपका प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं किया तो. सो इन रूब्रिक्स पे आप कैसे आएंगे? नॉर्मली हम एक सिंपल सेट ऑफ रूब्रिक्स पे पहुँचते रहते हैं, दैट इज़ वाई वी कम टू अस वन सेट ऑफ रेमेडीज एंड वी कैन नॉट, इफ दे फेल वी कैन नॉट लुक बियॉन्ड, वी गेट स्टक इन दोज सेट ऑफ रेमेडीज. ऑलवेज रीड क्रॉस रेफरेंस. क्या बोलेंगे बच्चे? तो हम लेते हैं कि ओपिनियन ऑफ अदर्स, लोग मेरे बारे में बातें करेंगे. फियर टॉक्ड ऑफ बींग या डिल्यूजन ही इज बींग टॉक्ड अमंग फ्रेंड्स. बच्चे मेरे बारे में बात कर रहे थे कि मैंने ठीक से नहीं बनाया. तो बच्चे का क्या चीज़ वरी कर रही है उसको कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या मेरे बारे में बातें करेंगे या मेरे को डिसअप्रूवल मिलेगा या मुझे डर है? दैट यू हैव टू फाइंड आउट. सो सी हाउ सिंपल इट बिकेम, यू नो. या मदर बोलेंगे इसको हर छोटी बात का बुरा लग जाता है. अगर टीचर थोड़ी एडवाइस भी दे रही है ना तो इसको लगता है हम इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं. जैसे कल इसका एक डिबेट था और ये वहाँ जाके डिबेट बोल कर आई और मैंने इसको बोला कि आपने ना बेटा ये माइक थोड़ा ऊपर रख कर बोलना चाहिए. मामा प्लीज़ डोंट टेल मी, यू नो, कि मैं इसको लगता है हम वाई आर यू क्रिटिसाइजिंग इट. सो वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग, वी आर गिविंग अ हेल्दी एडवाइस. सो एक रूब्रिक है, एक मिनट आई टेल यू, डिल्यूजन में है कि एडवाइस इज क्रिटिसिज्म. मतलब जो एडवाइस भी है वो उसको ऑफेंडेड ईजिली, क्रिटिसिज्म टेक्स एडवाइस एज क्रिटिसिज्म, जल्दी बुरा मान जाती है, कुछ एडवाइस को भी क्रिटिसिज्म की तरह ही लेती है. फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, एंड द मेडिसिन इज लिलियम टिग. या आई यू अंडरस्टैंडिंग, एडमोनिशन एग्रवेट्स. इसको थोड़ा भी हम बताएं कि क्या गलत किया है तो इसको अच्छा नहीं लगता, प्यार से भी बताएं तो अच्छा नहीं लगता. एडमोनिशन एग्रवेट्स काइंडली इवन. आई यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस मेक्स द होल, यू नो, योर वर्क बिकम सो ईजी एंड ऑर्गेनाइज. दिस इज द वे आई हैव स्टडीड द होल रिपर्टरी. आई हैव कैटेगराइज देम कि बच्चा है तो प्ले एरिया होगा या स्कूल होगा या पेरेंट्स होंगे. एंड दैट इज द वे आई एम स्टडिंग ऑल द रेमेडीज. इन द सेम वे वी आर स्टडिंग इन दीज रूब्रिक सेशन. वी आर नॉट शोइंग केसेस सो दैट वी कैन गिव यू फॉर डाउनलोडिंग. वी सेव टाइम, वी गिव यू. सपोज आई टेक अ सेमिनार ऑफ केसेस, सो आई विल बी एबल टू शो 3 or 4 केसेस, 4 or 5 रूब्रिक्स, यू नो, 1 रेमेडी. बट वेन वी स्टडी रूब्रिक्स वी कवर अ लार्ज एंड अ ब्रॉडर परस्पेक्टिव. यू नो, देर इज़ अ नो रूम फॉर परसेप्शन. अभी जो रूब्रिक है उसमें कोई फ्लाइट नहीं है, कोई परसेप्शन नहीं है. आई फाउंड इट वेरी ईजी एंड अ फर्म ग्राउंड ऑन विच आई कैन प्रिस्क्राइब. यू नो, इट इज़ लाइक फिजिकल्स कि भाई एपेटाइट लॉस्ट है तो है, फियर जज्ड ऑफ बींग है तो है, डर है स्कूल, उसमें कोई परसेप्शन नहीं है कि भाई इसको डर था कि ये था या आप कुछ बहुत, दैट इज़ नॉट माई फॉर्टे. एंड आई फाउंड दिस वे मच ईजियर एंड आई गॉट वेरी गुड रिजल्ट विद दिस. वंस यू स्टडी विद दिस एंड देन यू कैन गो बैक टू मटीरिया मेडिका एंड स्टडी द रेमेडी. फॉर एग्जाम्पल यू स्टडी ट्यूबरक्लिनम, जैसे मैंने आपको बताया. सो दिस इज द वे वी आर कवरिंग ऑल द रूब्रिक्स. एंड आई होप इफ यू कैन अटेंड द वेबिनार, वेल एंड गुड. इफ यू कैन नॉट, देन स्टार्ट स्टडिंग द रूब्रिक्स लाइक दिस. यू नो, स्टार्ट मेकिंग अ पिक्चर आउट ऑफ द रूब्रिक्स. स्टडी सिंगल रूब्रिक्स ऑफ अ रेमेडी एंड देन ट्राई टू ड्रॉ अ पिक्चर कि भाई ये कैल्केरिया फॉस कैसा होगा या ट्यूबरक्लिनम. आप इमेज, पिक्चर मतलब इमेज मत बनाइए, आप एंट्री पॉइंट्स टू अ रेमेडी बनाइए. जैसे मैंने ओपियम का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कि ओपियम को आप कैसे कैसे क्लिनिक में देख सकते हैं. इन द सेम वे स्टडी एंट्री पॉइंट्स टू अ रेमेडी. इट विल मेक योर वर्क वेरी वेरी ईजियर, सिस्टमैटिक, एंड यू विल हैव वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स, राइट? सो अब आपके पास कोई भी बच्चा आएगा जिसको स्कूल है कुछ उसकी लाइफ हिस्ट्री में एज अ प्रॉब्लम एरिया, सो यू नो वॉट रेमेडीज टू बी गिवन. एंड या आई होप यू गेट गुड रिजल्ट्स इन योर प्रैक्टिस. कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड. थैंक यू.